माशाल्लाह से दोस्तों फैमिली, ये है हमारा प्यारा न्यू बछड़ा जी। ये गोल्डन कलर का बछड़ा हमारा दोस्तों न्यू आया है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे जो पहला नंबर होता है डाइट देने का वो हमारे शेरू का होता है। शेरू साहब नाश्ता करेंगे और फिर बाकी जो मुर्गियां हैं हमारी वो अभी बंद हैं, उनको भी डाइट देनी है। और आज कुड़क मुर्गियों को भी निकालना है दोस्तों, दो दिन हो चुके हैं। और अपने कबूतरों का शौक़ भी अभी आपको करवाते हैं। कुछ ख़ास दोस्तों हम नहीं देते अपने परिंदों को। ये देखें, ये घर का जो बचा हुआ सालन होता है, रोटी होती है, वो मिक्स करके इनको दे देते हैं और बाजरा वगैरह देते हैं ये चूज़ों को। रोटी और सालन दिया है माशाल्लाह, देखें बहुत शौक़ से खाते हैं। इधर दोस्तों हमारा एक ग्रीन पैरट मर चुका है, ये देखें ये मटकी में पड़ा हुआ है यार, अभी हमारी नज़र पड़ी है दोस्तों सुबह सुबह, ये तो बैड न्यूज़ मिली है। अभी दोस्तों अपनी चमकीली मुर्गी को निकालते हैं, उसको भी दूसरा दिन है हमने बाहर नहीं निकाला, माशाल्लाह से अभी निकाल लिया है चमकीली को। और डेली इसकी दो दिन की रूटीन होती है दोस्तों, दो दिन बाद इसको हम अंडों से उठाते हैं और दाना वगैरह खा के ये फिर बैठ जाती है और फिर दो दिन बाद उठेगी। इधर राजा को देखेंगे, मस्तियाँ करने आ गया इसके साथ। अभी दोस्तों माशाल्लाह से हमारे पैरट्स को फ्रेश दाना और आज इनको सब्ज चारा दिया है माशाल्लाह, सब्ज चारे को बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ तमाम परिंदों का जो दाना पानी हो सबका दोस्तों मुकम्मल हो गया है। और इधर हमारी चमकीली मैडम, ये अभी तक घूम फिर रही है बाहर। और दोस्तों 5-6 दिन बच रहे हैं माशाल्लाह, इसके चिक्स आ जाएंगे माशाल्लाह से। दोस्तों आज सरप्राइज़ है आपके लिए, हमारे सेटअप पे आया है न्यू मेहमान, फैमिली आपको दिखाता हूँ मैं। ये माशाल्लाह से हमारा जो बछड़ा है माशाल्लाह, कल हम लेके आए हैं अब्बू न्यू बछड़ा माशाल्लाह लेके आए, गोल्डन कलर है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बछड़ा है, अभी आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह से दोस्तों फैमिली। ये है हमारा प्यारा न्यू बछड़ा जो आया है, शौक करें इसका कैसे हो हमें भाई, ये कैसा है, बहुत प्यारा है ना। घुमा तुम्हारे घूमे भी जो भी आए हुए हैं सेटअप पे। ये गोल्डन कलर का बछड़ा हमारा दोस्तों न्यू आया है माशाल्लाह, बहुत प्यारा और खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सेटअप पे इस बार बहुत से काफ़ी न्यू जानवर आए हैं। आ जाओ मैडम। दोस्तों ये मैडम जो है निकलने का नाम ही नहीं ले रही, इसका दरवाज़ा मैंने काफ़ी देर हो गई खोला है लेकिन बाहर ही नहीं आ रही, इसका पानी तो पड़ा हुआ है, थोड़ा सा बाहर घूम फिर ले, 2-3 दिन हो गए बाहर इसने निकली ही नहीं है। तो यार ये मैडम तो बाहर नहीं आ रही दोस्तों, तो एंग्री बर्ड को जो है इनको दाना दे देते हैं। माशाल्लाह से राजा और रानियों को दोस्तों डाइट दे दी है। अभी दोस्तों अपनी चमकीली मुर्गी को निकालते हैं, उसको भी दूसरा दिन है हमने बाहर नहीं निकाला। अभी ये हमारी छोटी मिनी फौज बच रही है, इनको भी अभी डाइट देनी है। अभी हमारी मिनी फौज को मैंने डाइट दे दी है, ये इनकी फेवरेट डाइट है दोस्तों, रोटी और सालन, चूज़े हमारे बहुत शौक़ से खाते हैं। हमारे जो राजा और रानियाँ हैं ये बाहर, अभी इनको आज बंद नहीं किया अंदर, जैसे दरख्त से उतरे हैं ये नीचे ही घूम रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी ये बहुत एंग्री हो चुके हैं और हमारी इन बेचारी मुर्गियों को बहुत ही ज़्यादा मारते हैं ये, इसी वजह से इनको अभी अंदर बंद नहीं करते इनके साथ, वरना ये बिल्कुल इनको मार दें, बहुत अग्रेसिव हो चुके हैं। अब इधर जो है दोस्तों हमारे बजीज पैरट में बहुत ही ज़्यादा फाइट हुई है, मैंने अभी देखा है, ये देखो ये जो वाइट फीमेल है ये इधर इस मटकी में जा रही है, और जो ये बेचारी इस मटकी वाली फीमेल थी उसके एग्स भी अभी बच्चे निकलने वाले थे, ये बैठी हुई है, इसको बहुत ज़्यादा मारा है इसने, बुरे तरीके से मारा है और इसकी मटकी पे अभी कब्ज़ा कर चुकी है ये वाली, ये पट्टी फीमेल तैयार हुई है और इसने कब्ज़ा जो है ये कर लिया है। कॉलोनी का यही नुकसान होता है, कभी कभी फाइटिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा तो मसला बनता है दोस्तों, कभी एक दूसरे के बच्चे भी मार देती हैं फीमेल। ये नीचे पड़ी हुई है बेचारी और उसने उसकी मटकी पे जो है कब्ज़ा कर लिया है, ये इधर ये वाइट वाली ने कब्ज़ा किया इस मटकी पे।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।